सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनस यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनस यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंट्री के बारे में जो कि इंडिया को ऑनरेबल वीज़ा दे रहे हैं अभी, और इनके जो वीज़ा पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा लिबरल होने की वजह से आप वहाँ पर जॉब भी काफ़ी आसानी से पा सकते हैं। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो रहेगा कि कौन सी ऐसी दो कंट्री हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो कंट्री जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने यहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से लिबरल कर दिए हैं, और यहाँ पे इंडियंस के लिए उन्होंने एक खास चीज़ की है कि उन्होंने इंडियन को वीज़ा की रिक्वायरमेंट माफ़ कर दिया। मतलब उन्हें अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है देन आप ब्राज़ील आराम से जा सकते हैं और वहाँ पर आप 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। मतलब ऑन अराइवल वीज़ा की स्टैंपिंग वगैरह तो होगी बट और कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टिकट लीजिए, रिटर्न टिकट भी लेना पड़ेगा और उसके बाद आप ब्राज़ील मूव कर सकते हैं, और ब्राज़ील में लैंड होने के बाद आप वहाँ पे 90 डेज तक स्टे भी कर सकते हैं। और इस बीच अगर आपको जॉब वगैरह मिल जाती है देन आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वर्क परमिट उतना ज़्यादा ईजी नहीं है ब्राज़ील में मिलना, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत देती है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको अगर विजिटर वीज़ा पे जाना है ब्राज़ील, देन ब्राज़ील ने काफ़ी सारे रास्ते अपने इजी कर दिए हैं आपको वहाँ पे विजिटर वीज़ा में पहुँचाने के। आप वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट, जो कि एक अच्छी बात है कि आप वहाँ पे विजिट के लिए तो जा ही सकते हैं। वर्क परमिट मिले ना मिले वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट अगर आप वर्क परमिट का सोच रहे हैं देन दूसरी जो आज की कंट्री है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करती है। और इस कंट्री का नाम है ट्रिनिडाड टोबैगो। और इस कंट्री में एक अच्छी चीज़ ये है कि मतलब 70% जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियन रिलीजन को तो मानती है, बट वहाँ पे जो एक 18% का रेशियो है, मतलब 18% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन को मानती है। मतलब वहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो हिंदू है, तो जो कि एक इंडियन के लिए एक बेनिफिट रहता है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे भी आपको 90 डेज का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अगर आपको कोई एम्प्लॉयर हायर कर देता है देन आपको वहाँ पे वर्क परमिट भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है। और 5 साल अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं देन आपको वहाँ पे PR मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये जो कंट्री है ये कोई गरीब कंट्री नहीं है, जो खास करके मेरे जो कुछ होते हैं ना कमेंट वाले करने वाले जो कि लिखते हैं कि गरीब कंट्री है, ये कोई गरीब कंट्री नहीं है, ये काफ़ी अच्छी और डेवलप कंट्री है। नो डाउट कि 1964 में ये देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इसमें नेचुरल गैस का भंडार है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है। इवन सेंट्रल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करते हैं नेचुरल गैस वो इसी जगह से इंपोर्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है और ये इसी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। इवन एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ये एक आइलैंड है बट इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, खास करके नेचुरल ऑयल एंड गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस सेक्टर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं देन ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ पे अपने लिए जॉब ले सकते हैं। इवन टूरिज्म का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आइलैंड है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस हैं और इसके लिए ये एक टूरिज़्म का अट्रैक्शन बना हुआ है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं देन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत चलता है बट एग्रीकल्चर में आपके लिए जॉब मिल पाना मुश्किल है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप गैस इंडस्ट्री या फिर नेचुरल गैस इंडस्ट्री या फिर अपनी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर काम ढूंढ रहे हैं देन ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप साउथ अमेरिका के एक कंट्री में आपको यहाँ पे अच्छे से सेटल होने का मौका मिल जाए। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे एक एम्प्लॉयर हायर करे, और वही एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको वहाँ पे वर्क परमिट दिलाने के लिए। तो आपको बस 90 डेज़ का जो आपके पास टाइम होता है विजिटर वीज़ा पे उसमें आपको मेहनत करनी है और वहाँ पे जॉब ढूंढना है। और वैसे गैस फील्ड में जैसे कि थोड़ा सा डेंजरस वर्क भी होता है बाकी सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो इस हिसाब से वहाँ पे वैकेंसी भी रहती है। तो आप अगर चाहें तो एक बार इसे
कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। वैसे इस कंट्री के बारे में हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था, तो जब हम ब्राज़ील का सर्च कर ही रहे थे, जो कि 24th को अनाउंस हो गया है कि ब्राज़ील में अभी ऑन अराइवल वीज़ा पे इंडियंस जा सकते हैं, वो चीज़ जब हम सर्च कर रहे थे साथ ही साथ ये सर्च किए, तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।